हेलो गैस, तो आज की वीडियो में मैं आपको सेट चैप्टर का कुछ नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा जो कि रिलेटेड होगा एम्प्टी सेट से, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट से एंड इक्वल सेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। तो क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो ए में एक सेट ऑफ लेटर है जो कि किससे है, फॉलो से है, ओके। एंड बी अ सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड वॉल, यानी बी में एक सेट ऑफ लेटर है जो कि रिलेटेड है वॉल्व से, उसमें वॉल्व लेटर है, ठीक है। तो हम लोग को शो करना है कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ए और बी को हम लोग को इक्वल शो करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं, मीन्स ए इक्वल टू। तो एक चीज में रूल होता है कि जो भी हम लोग सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पर ए के अंदर एफ है तो एफ लिख दिए, फिर ओ है तो ओ, देन एल है, देन दोबारा से एल आ रहा, अगेन एल आ रहा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ओके। उसके बाद ओ आ रहा तो ओ यहाँ पर मैंने पहले ही लिख चुका है, तो ओ को मैंने नहीं लिखूंगा। उसके बाद ये डब्ल्यू है, तो एक सेट के अंदर एफ ओ एल डब्ल्यू ये सारे एलिमेंट आ चुके हैं। देन अब हम लोग बी के अंदर, बी सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो लिखेंगे। तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो वॉल्व्स है, मीन्स इसके अंदर एलिमेंट आएंगे डब्ल्यू O L F। यहाँ पर भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट कर रहा है। सो अब हम लोग देखेंगे कि A के अंदर जो भी एलिमेंट है और B के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इक्वल है कि नहीं। तो A इक्वल टू B हम लोग तब कर सकते हैं जब F, यहाँ पर भी F है, यहाँ O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर L है, इसमें भी L है, एंड W एंड W। मीन्स A और B के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर भी फोर एलिमेंट है और यहाँ पर भी फोर एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग इक्वल बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। तो इसमें क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू पी क्यू आर एस। ए एक सेट है जिसके अंदर पी क्यू आर एस एलिमेंट है, एंड बी इक्वल टू क्यू आर पी एस, बी में क्यू आर पी एस ये सारे एलिमेंट्स है। तो हम लोग को शो करना है आर ए एंड बी इक्वल, हम लोग को बताना है कि ए और बी इक्वल है या नहीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट है और बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है, मीन्स पी क्यू आर एस, और यहाँ पर भी पी क्यू आर एस, एंड एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यस ए एंड बी आर इक्वल, यस ए इक्वल टू बी, या फिर ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 8। क्वेश्चन है सो डैट 5, 0 एंड 0 आर ऑल डिफरेंट। तो ये तीनों सारे डिफरेंट है, हम लोग को शो करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले 5 एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 5 इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, ओके। फाइव एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये मीन्स सेट के अंदर एक जीरो है, मीन्स इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, जीरो। तो ये भी क्या है, एक सेट है, इज अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट नेमली जीरो। तो ये जो है एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट का नाम क्या है, जीरो है। देन जीरो, तो जीरो इज नॉट अ सेट, जीरो सेट नहीं है, इट इज अ नंबर, ओके। तो जीरो सेट नहीं है, जीरो क्या है, नंबर है, इसलिए तीनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 9। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट। तो क्वेश्चन है इसमें कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, हम लोग को उसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक, मीन्स डेज में जितना भी वीक होते हैं उसका कलेक्शन, मीन्स संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, ये सब। तो ये क्या है, एक सेट है। सेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट आएंगे वो काउंटेबल होंगे और वो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सेट होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया।
तो इसका आंसर क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे मेरे हिसाब से कोई और 11 हॉकी प्लेयर होगा और किसी और के हिसाब से कोई और बेस्ट हॉकी प्लेयर होगा, तो इस हिसाब से उसका एग्जैक्ट आंसर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक सेट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर जितने भी रिच पर्सन है उसका कलेक्शन। तो दिल्ली के अंदर रिच पर्सन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ पैमाना का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन रिच है और कौन रिच नहीं है। मेरे हिसाब से वो रिच होगा, किसी और के हिसाब से कोई और रिच होगा, तो ये भी सेट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ चेन्नई हु असिस्ट एनुअल इनकम एग्जिस्ट रेस 10 लाख, तो जो भी चेन्नई में रहते हैं उन पर्सनों का कलेक्शन जो कि जिसका एनुअल इनकम कितना है 10 लाख है, तो ये क्या है, ये एक सेट है, क्योंकि इसमें जो भी पर्सन आएंगे उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया, तो मैं मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया का कलेक्शन, तो इंडिया में जितने भी डेंजरस एनिमल है उसका कलेक्शन हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, इसका डिफाइन हम लोग एग्जैक्टली नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, एक सेट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स एंड ऑन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जितना भी बुक है उसका कलेक्शन, तो एग्जैक्टली ये सेट है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी मैथमेटिक्स के बुक है वो आ जाएंगे, तो ये भी एक सेट है। देन नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, तो इंटरेस्टिंग बुक का कलेक्शन, इंटरेस्टिंग बुक का भी एक कलेक्शन होगा जो कि मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग होगा, किसी और के लिए कोई और बुक इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसको भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि कौन कौन सा बुक इंटरेस्टिंग होगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।